नहीं तुम ये जानती नहीं है, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, सच बताओ कहाँ है वो पेन ड्राइव? मुझे कुछ नहीं पता पेन ड्राइव के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता है। देख सीधी तरह से बता दे वरना हम ना तेरा भेजा उड़ा देंगे। पता ही नहीं आप कौन सी पेन ड्राइव के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। देखिए मुझे नहीं पता कि क्या अगली गोली तेरी खोपड़ी में लगेगी, बताती है या नहीं? मुझे नहीं पता है। हेलो, नहीं उसने पेन ड्राइव के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया। हाँ हाँ मैं जानती हूँ वो पेन ड्राइव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लो, वो पेन ड्राइव जल्द से जल्द तुम्हारे हाथ में होगी। ठीक है हम लोग आते हैं। उसका फोन था? हाँ मिलने बुलाया। अभी इतनी रात को? कुछ अर्जेंट बात करनी है। तुम लोग इस लड़की पे कड़ी से कड़ी नजर रखना, हम दो ढाई घंटे में लौट आएंगे। ठीक है, खाना तो दूर। एक बूंद पानी मत देना इसको, प्यास से तड़पेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आप बेफिक्र रहो, मैं देख लूंगा इसको। चलो आप एक काम कर, तू इस पर नजर रख, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। ठीक है जल्दी आना। अरे वो लड़की कहाँ चली गई? तेरे को मैंने बोला था नजर रखने के लिए, तू बैठ के वहां पर पत्ते खेल रहा है, लड़की यहां से भाग गई। रोको, प्लीज रोको, रोको, प्लीज मदद करो कोई, प्लीज रुको, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। ये नहीं देख, वो देख गाड़ी आ रही है। माय गॉड, मैडम आप ठीक तो है ना? माय गॉड काफी खून बह गया। देखिए आप घबराइए मत, मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ, प्लीज वन से। अरे ये तो लड़की को उठा रहा है, ये तो सीआरडी वालों के हाथ लग गई। अरे वो उसे लेके जा रहा है। अब टाइगर भाई को क्या जवाब देंगे? एक काम कर तू गाड़ी निकाल, इसका पीछा करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब तबीयत कैसी है इनकी? खतरे से बाहर है, अगर आप इन्हें वक्त पर यहाँ नहीं ले आते तो शायद इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। इनका नाम एड्रेस कुछ पता है आपको? इनके पास से कोई बैग या पर्स वगैरह नहीं मिला जिससे इनकी आइडेंटिटी पता लगे। अच्छा एक बात बताइए, इनको होश कब तक आ जाए? कभी भी आ सकता है। डॉक्टर आई मूवमेंट, लगता है इन्हें होश आ गया। पल्स रेट भी इंप्रूव हो रही है, दैट्स अ गुड साइन। हॉस्पिटल? आपका एक्सीडेंट हो गया था, इन्होंने आपकी जान बचाई। मेरा नाम सचिन है, आप कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए हम आपको आपके घर वालों के पास पहुंचा देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या है?
ऐसे क्यों बिहेव कर रही? मेरा नाम क्या है? सर पर चोट आने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। याददाश्त चली गई? छोड़ो छोड़ो, मुझे घर जाना, एक मिनट। छोड़ो मुझे घर जाने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए आप संभालिए अपने आप को। एक मिनट, देखो मुझे घर जाना है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर अब कहाँ है? आपका घर? मेरा घर कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? देखिए प्लीज छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना, मेरा घर कहाँ है? देखिए आप संभालिए, मेरा नाम बताओ, कौन है आप? छोड़ो छोड़ो, हम ढूंढ लेंगे। गुड मॉर्निंग, कैसी है तबीयत आपकी? पहले से काफी बेहतर है, पर इन्हें अभी भी अपना नाम नहीं याद आ रहा। ये मैं आपके लिए लाया हूं। कोई बात नहीं, इसे यहां रख देता हूं। देखिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपकी फोटो हर न्यूज चैनल हर अखबार में देती है, कोई ना कोई रिश्तेदार आपको लेने जरूर आएगा। एक्सक्यूज मी सचिन जी, रिसेप्शन पर आपका कॉल आया है। बताया किसी ने? किसका फोन? जी ये तो पता नहीं। मैं भी आ एक्सक्यूज मी, मेरा नाम सचिन है, मेरे लिए फोन आया? हाँ सर, इस फोन पर। हेलो हेलो, लगता फोन कट गया। किसने फोन किया था बताया कुछ? कोई एसीपी प्रद्युमन थे। एसीपी साहब ने मुझे फोन किया? एसीपी साहब को कैसे पता चला कि मैं लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल में हूँ? हेलो सर, आपने मुझे लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल में फोन किया था? नहीं नहीं सर, अब मुझे तो कुछ नहीं हुआ सर, वो एक एक्सीडेंट केस के सिलसिले में आया था ना। जी सर, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ सर। ओके, कमाल है, एसीपी साहब ने फोन नहीं किया तो फिर फोन किया किसने? कौन हो सकता है? डॉक्टर साहब, ये लड़की कहाँ है? वो उसके दादा दादी आए थे, उसे साथ ले गए अपने। दादा दादी आए थे साथ ले गए? आपने उसे जाने कैसे दिया ऐसी हालत? सर मैंने उन्हें बहुत समझाया कि इस हालत में उनका यहीं रुकना ठीक है, पर वो बिल्कुल माने ही नहीं और मुझसे उल्टी सीधी बात करने लगे। आप ऐसा कैसे कर सकते? आपने उनका आईडी चेक किया? नहीं सर। उनसे कोई पेपर साइन करवाया आपने? नहीं सर। सर, दो लोग किसी लड़की को जबरदस्ती के बाहर घसीट के लेके जा रहे। माय गॉड, छोड़ो। अरे चंगुल से भागकर तूने अच्छा नहीं किया, अब देखना इसका अंजाम। XZZ93PH113। आप ठीक तो है ना? प्लीज हेल्प। ये जो बेहोशी है ये इन्हें कमजोरी की वजह से आई थी, चोट ज्यादा गहरी नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, इसकी याददाश्त वापस आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए एसीपी सर, ये एमनेसिया का सीवियर केस है, इनकी याददाश्त कब तक वापस आएगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ये बात नहीं चलेगी डॉक्टर साहब, आपको कोशिश करनी ही चाहिए, किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी इसकी याददाश्त वापस आनी ही चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी। सर अगर इसकी याददाश्त आ भी जाती है और इसे यही नहीं पता कि इस पे हमला किसने किया और क्यों किया तो? हाँ ये बात तो है। अगर सर हमने इसे यहाँ अकेला हॉस्पिटल में छोड़ दिया और अगर इस पर दोबारा हमला हुआ तो? वही तो, इसीलिए हमें इसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं मुझे कहीं मत लेके जाओ प्लीज। नहीं देखिए,
प्लीज आप घबराइए मत, हम सब सीआईडी ऑफिसर्स हैं और जब तक हम आपके साथ हैं वो कुछ नहीं होगा। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, नहीं मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, प्लीज। देखो तुम्हारी जान को खतरा है और इसीलिए तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखना बहुत जरूरी है। इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, हम चाहते कि तुम उनके साथ रहो, ये तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। जाओगी तुम? सचिन देखो इसे तुम तुम्हारे घर ले जाओ। लेकिन मैं? हाँ ये लड़की तुम पर विश्वास करती है, सुरक्षित महसूस करती है तुम्हारे साथ। ठीक है सर। और एक बात, उस गाड़ी का नंबर काजल को देना। काजल गाड़ी का नंबर लेकर आरटीओ से पता लगाओ कि वो गाड़ी है किसकी। सर ये क्या कह रहे हैं आप, हमारी गाड़ी गुंडों के पास कैसे पहुंच गई? XZZ93PH1313 ये आप ही की गाड़ी का नंबर है ना? नंबर तो हमारी गाड़ी का है पर अब ये गाड़ी हमारे पास नहीं है। क्यों, कार किसी को बेच दी या फिर गिफ्ट में दे दी? कोई अपनी गाड़ी को गिफ्ट में कैसे दे सकता है, वो चोरी हो गई है। ये अब इनकी गाड़ी चोरी हो गई? जी हाँ, हमारी गाड़ी को चुरा के ले गया। कब की बात है? यही कोई एक हफ्ता पहले। हम ही कैसे मान लें कि आप लोग सच बोल रहे हैं? आप चाहो तो पुलिस स्टेशन जाके पता कर सकते हो, हमने रिपोर्ट भी लिखवाई थी कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। हाँ ये तो हम पता लगा ही लेंगे, समझे? निखिल फोटो दिखाओ। जानते हैं सर? ये कौन है? यही हम भी आप लोगों से जानना चाहते हैं, कौन है ये? पहले कभी देखा इस लड़की को? इसे हमने कभी नहीं देखा। पर इस लड़की का हमारी गाड़ी से क्या लेना देना? इस लड़की के पीछे कुछ लोग पड़े थे और वो लोग आप ही की गाड़ी में आए थे। हे भगवान, इस गाड़ी ने तो हमें किस मुसीबत में डाल दिया। आप ये बताइए कि आपकी कार चोरी कहाँ से हुई है? ईशा सिनेमा से। ईशा सिनेमा? जी वहाँ हम लोग फिल्म देखने के लिए गए थे। फिल्म शो खत्म हुआ और हम लोग ने बाहर आके देखा तो हमारी गाड़ी वहाँ नहीं खड़ी थी। क्या आप लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में नहीं खड़ी की थी? गाड़ी तो पार्किंग में खड़ी की थी। कमाल है, सिनेमा हॉल की पार्किंग लॉट से गाड़ी चोरी हो गई। यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ से मेरी गाड़ी चोरी हुई। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस था, वरना लाखों का नुकसान हो जाता। और कितना शर्मिंदा करेंगे, मैं इतनी बार तो हाथ जोड़ के माफी मांग चुका हूँ आपसे। ये माफी मांग के कोई फायदा नहीं है मैनेजर साहब, आपके यहाँ से इनकी गाड़ी चोरी हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। वाकई ईशा सिनेमा के लिए बहुत बड़ा कलंक है, इसलिए मैं पार्किंग अटेंडेंट को निकालने वाला था। तो फिर निकाला क्यों नहीं? वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा अगर उसे नौकरी से निकाला तो उसके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। क्या नाम क्या है पार्किंग अटेंडेंट का? भैरव। भैरव सलाम साहब। सलाम अलाम छोड़ो, यहाँ से गाड़ी चोरी हो गई तब तुम क्या कर रहे थे, कराटे मार रहे थे? मुंडी नीचे मत डालो, बताओ ये सब कैसे हुआ? सर उस दिन शाम को 5 बजे एक आदमी आया था, उसने बोला 6 से 9 का एक शो है और बैठकर हमारे साथ टाइम पास करने लगा और मुझसे बातें करने लगा। फिर अचानक वो बिस्किट खाने लगा, उसने मुझे भी एक बिस्किट दिया जिसे खाकर मुझे कुछ होने लगा और फिर मैं बेहोश हो गया। तो तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठा के गाड़ी ले उड़ा वो? जी सर। उस आदमी का चेहरा याद है तुम्हें? जी हाँ साहब। काजल इसे ब्यूरो ले चलो और इससे वो स्केच बनाओ उस आदमी का। वैसे यहाँ पे कभी लाइट तो नहीं जाती, लेकिन पता नहीं आज अचानक क्या हो गया। मैं खाना बहुत अच्छा तो नहीं बनाता, लेकिन यहाँ अकेला रहता हूँ इसलिए कुछ ना कुछ बना लेता हूँ। ले। चिप, मुझे नहीं खाना। देखिए आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। प्लीज जिद मत कीजिए। देखिए आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और अगर आप खाएंगे नहीं तो आप दवा नहीं ले सकती, और अगर आप दवा नहीं लेंगी तो आपकी याददाश्त कैसे वापस आएगी? प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए, प्लीज प्लीज। ये होगी ना बात? ये निशान बस ऐसे ही मामूली सी खरोच ठीक हो जाएगी।
I'm so sorry. पता नहीं हॉस्पिटल में मुझे क्या हो गया था. देखिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा. सॉरी. आप खा लीजिए बस. जी मैं ले लूंगी. That's good. वैसे खाना इतना भी बुरा नहीं बना है. अब अच्छा बना है. Really? जी. हमने इतनी सारी बातें की लेकिन अब तक मुझे आपका नाम नहीं मालूम. क्या कह के बुलाऊं मैं आपको? नाम? जी नाम तो मुझे भी याद नहीं. जानती हैं आपकी शक्ल मेरे एक दोस्त से मिलती है. कौन सी दोस्त? मेरी स्कूल की दोस्त थी. स्कूल के बाद फिर कभी मुलाकात नहीं हुई. क्या नाम था उसका? नेहा. तो आप मुझे नेहा बुला लीजिए. ठीक है नेहा. अच्छा नेहा ये बताओ कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त क्या हुआ था, कुछ याद है तुम्हें? हाँ याद है, बहुत अच्छी तरह याद है. उस रात आपको तो सब कुछ अच्छी तरह से याद है, पर डॉक्टर साहब क्यों कह रहे थे कि आपकी याददाश्त चली गई? क्योंकि मुझे सिर्फ उस वक्त तक याद है जब मुझे होश आया और मैं वहां थी जहां उन लोगों ने मुझे बांध रखा था. उसके पहले का मुझे कुछ याद नहीं. उस वक्त भी नहीं याद था जब वो लोग मुझे उस पेन ड्राइव के बारे में पूछ रहे थे. मतलब आपकी याददाश्त एक्सीडेंट की वजह से नहीं गई बल्कि आपकी याददाश्त पहले ही जा चुकी थी. इसलिए मुझे पेन ड्राइव के बारे में कुछ नहीं पता. मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लोग हैं कौन. आपको ये तो पता होगा ना कि उन किडनैपर्स ने आपको रखा कहां था, किस जगह पर. इस जगह को ध्यान से देखो, क्या यही वो जगह है जहां पे किडनैपर्स ने तुम्हें रखा था? अच्छी तरह से देखो नेहा. देखो क्या ये वही जगह है जहां पर तुम्हें छुपा के रखा था? हाँ यही वो जगह है जहां से मैं भागी थी. ये इस कुर्सी से बांध के रखा था उन्होंने मुझे. बिल्कुल यही जगह है वो. अच्छी तरह से याद है? हाँ पक्का. चलो एक बात तो पक्की हो गई, पता तो चल गया कि तुम्हें कहां किडनैप करके रखा था. एक ही बात कर सकते कि ये लोग सब भाग गए. मगर कोई बात नहीं, इस जगह को अच्छी तरह से ढूंढो, एक एक कोना छान मारो, एक एक इंच देखो, कोई ना कोई चीज तो जरूर मिलेगी, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा जिससे पता चलेगा कि किडनैपर्स है कौन. सर हाँ ये देखिए सर, टेबल प्लेट्स और प्लास्टिक ग्लास भी है सर. हाँ
लगता है इसमें से कुछ खाया है इन्होंने। मामू की कचौरी नाम का लेबल पीछे चिपका हुआ है। लगता है ये मामू की कचौरी मतलब किसी दुकान का नाम है। पता लगाना पड़ेगा। आकाशक, स्केच बन गया उस आदमी का जिसने गाड़ी चुराई थी। काजल, देखो हमारे कंप्यूटर रिकॉर्ड में इस आदमी के बारे में कुछ पता चलता है क्या? नेहा, ये स्केच देखो एक आदमी का। ये स्केच उस सिनेमा हॉल के पार्किंग लॉट अटेंडेंट ने बनवाया है। क्या इसका चेहरा तुम्हें जाना पहचाना लगता है? ये जानती हो इसे? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। देखो नेहा, घबराओ मत, याद करने की कोशिश करो। हो सकता है ये आदमी उन किडनैपर्स में से एक हो। याद करो जरा। नहीं सर, ये उन किडनैपर्स में से एक नहीं है। देखिए, ये सारा केस आपकी याददाश्त पे टिका हुआ है। हम नहीं जानते एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ, ये कौन लोग हैं जो आपकी जान के पीछे पड़े, लेकिन अगर इसके बारे में आपको कुछ भी याद आता हो, छोटी सी छोटी बात भी, तो हमें बताइए। कोशिश करिए याद करने की। सर, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मैं नहीं जानती हूँ इसे। या, कुछ ना कुछ याद आएगा, कोशिश करो। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, मुझे नहीं पता ये कौन है। सॉरी सर, एक मिनट, एक बात करनी थी। क्या ये सारी की सारी बातें कहानी लग रही है? क्या पता ये झूठ बोल रही हो और अपने आदर्श चले जाने का ढोंग कर रही हो। मित्र, तुम्हें ये सब ढोंग लगता है? सर, जब मैं नेहा को मिला तो ये सड़क पर तड़प रही थी दर्द से, इसे हॉस्पिटल लेके गया मैं। मुझे नहीं लगता सर ये सब झूठ है या ढोंग है। अरे सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। सर, गुड न्यूज, स्केच के आदमी के बारे में पता चल गया। कौन है ये? गुल्लू नाम का एक चोर है सर। चोरी के सिलसिले में कई बार अंदर जा चुका है, जेल से बाहर निकलते ही फिर से चोरी चकारी शुरू कर देता है। चलाओ तुम्हारा चक्कर। अरे सुनो भाई, यहाँ पे ये गुल्लू कौन है मालूम? दोस्त है क्या? हाँ दोस्त है। ये है गुल्लू। इस आदमी को कहीं देखा है आपने? नहीं सर, मालूम नहीं। ध्यान से देखो, ध्यान से। नहीं नहीं नहीं, इसे तो कभी नहीं देखा मैंने। हाँ वही तो, मतलब घर बुला लिए और एड्रेस बताया नहीं है। मामू की कचौरी की दुकान कहाँ है ये तो मालूम है ना? एक बात बोलूँ मैं आपको, आपकी मुच्छी बहुत सॉलिड है। चाहिए मामा की कचौरी तो खाई होगी ना आपने? अभिजीत, तुम्हारे खबरी ने हमें लपेट लिया। अगली बार उसकी बात पे विश्वास नहीं करना। यहाँ पे तो किसी ने गुल्लू का नाम तक नहीं सुना है। सर, किसी ने कचौरी तक नहीं खाई मामू की। मैं इसको फोन करके पूछता हूँ। अरे क्यों भाई राहुल? हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्या अपने उस्ताद को चूना लगा रहा है? देख, तुझे मालूम है मेरा दिमाग सटकता है तो क्या होता है। हाँ यहाँ कहाँ है वो? तुझे कभी पैसा नहीं मिला है तो ये बता है? अरे मैं, हम लोग वहीं खड़े हुए हैं। हाँ उसी जगह पे है। खबर पक्की है? ठीक ठीक यार, ये गुल्लू यहीं कहीं आसपास है, ये हमसे झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा, कहीं ये गुल्लू भेस बदल के तो नहीं रह रहा है, इसीलिए कोई पहचान नहीं रहा उसे? हो सकता है। अरे ये रही ना वो मामू की कचौरी की दुकान, तो यहीं पे मिलने आता होगा, यहीं से वो समोसे पार्सल करके ले गया होगा। तो चलो ठीक है, चलिए इस मामू की कचौरी हम लोग भी देख लेते हैं, हो सकता है गुल्लू यहीं मिले। आइए साहब, गर्मा गर्म समोसे। नहीं, समोसा बाद में। तो फिर साहब चाय? चाय नहीं चाहिए हमको, जरा गुल्लू चाहिए। गुल्लू? गुल्लू? हाँ गुल्लू, ये है गुल्लू। हम लोग इस आदमी को ढूंढ रहे हैं, देखा है यहाँ पे? साहब ये तो नहीं, इसकी शक्ल का एक आदमी है, वो जरूर आता है। क्या मतलब? वो आदमी ऐसे दिखता है?
साहब अगर इसके बाल और मूछ होते ना बिल्कुल ऐसा ही दिखता। क्या बात कर, भेस बदल के तो नहीं आता ये? आप क्या अक्सर आता है कचौरी खाने? अरे साहब अक्सर नहीं, रोज आता है 3-4 बजे। 3-4 बजे कचौरी खाता है? अच्छा तो इसको कचौरी खिलाते हैं। चल ला भाई गर्मा गर्म कचौरी खिला। हाँ क्यों नहीं, कचौरी खाओ ऊपर से चाय पियो फ्री में। तू कौन है और वो मामू किधर गया? अरे वो बड़े मामू टहलने गए और हम छोटे मामू। नहीं नहीं मुझे तेरे हाथ की कचौरी नहीं खानी है, मामू को आने दे फिर खाऊंगा। अरे खा लो, मैं गुल्लू खा लो। छोटे मामू के हाथ की कचौड़ी बड़ी सॉलिड है, खा लो। गुल्लू तू मेरा नाम कैसे जानता है, कौन है तू? अरे ये बड़े मामू का चेला। चेला? और आपके पीछे बड़े मामू खड़े हैं, मिल लो। छोटे मामू से कोई उल्टी सीधी बात करे तो बड़े मामू को बहुत गुस्सा। अरे अरे बड़े मामू की कचौरी तो खा के जा तू। मैं सच कह रहा हूँ साहब, ना ही मैं किसी लड़की के बारे में जानता हूँ, ना ही किसी पेन ड्राइव के बारे में। मैं छोड़ मत बोल, अगर नहीं जानता वो जो गाड़ी तूने चुराई थी वो उन किडनैपर्स के पास कैसे है? मैं एक छोटा सा चोर हूँ साहब, उन गुंडों ने मुझे पैसे दिए थे, कहा गाड़ी चुरा के ला दो तो मैंने चुरा के दे दिया। कहाँ रहते वो लोग? मैं नहीं जानता साहब, यहीं आए थे वो लोग गाड़ी की डिलीवरी के लिए। उनका नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? हाँ साहब 1970508 7। नंबर बंद आ रहा है। लेकिन तू गया काम से, तुझे जेल की कचौरी खिलाऊंगा मैं। चल। नहीं साहब मैं आपकी मदद करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तू क्या मदद करेगा, तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो लोग है कहाँ? साहब मुझे बस इतना याद है कि वो लोग कुछ आईटी बोल रहे थे। हाँ आईटी? से कंप्यूटर का चक्कर तो नहीं? वो किडनैपर भी नेहा से उसी पेन ड्राइव के बारे में पूछ रहे थे। ये आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, या आईटी से इनकम टैक्स भी होता है। इनकम टैक्स? हेलो, हम लोग सीआईडी से हैं। हेलो सर, आई एम सावरी। सावरी ये बताओ कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कब से काम कर रही हैं? यही कोई 2 साल से। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग एक केस पे काम कर रहे हैं और वो केस हमें यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक खींच लाया है। मतलब किसी का खून हुआ है? जी नहीं, खून तो नहीं हुआ अभी तक। अब जरा फोटो देखिए, क्या आप इस लड़की को जानती हैं? नहीं तो कौन है ये? इस लड़की को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, उन किडनैपर की तलाश में है हम यहाँ इनकम टैक्स ऑफिस में। एक्चुअली हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ इनकम टैक्स ऑफिस में कुछ अजीब सी चीज हुई थी क्या? अजीब सी चीज? हाँ कोई झगड़ा वगड़ा, कोई तनाव, या फिर कोई काफी दिनों से ऑफिस नहीं आया? काम पर नहीं आ रहा? जी हाँ, हमारे एक ऑफिसर हैं मिस्टर प्रशांत, वो एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आए हैं। एक हफ्ते से? जी, और उनका फोन भी बंद है, और इस बात को लेकर ऑफिस में सब लोग काफी परेशान हैं। असावर तुम इस प्रशांत के बारे में कुछ और बता सकती? कोई परेशानी थी उसे, टेंशन वगैरह में था क्या वो? नहीं तो गायब होने से पहले तो वो बहुत खुश थे। ये इस बात की खुशी थी उन्हें? दरअसल वो एक खास रिपोर्ट पर काम कर रहे थे और उनका कहना ये था कि जब भी ये खास रिपोर्ट पूरी हो जाएगी तो देश का काफी भला होने वाला है। अच्छा, ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में, कुछ मालूम है आपको? ये तो प्रशांत सर ही बता सकते हैं, पर हाँ उन्होंने इस रिपोर्ट का नाम रखा था ऑपरेशन ऑटोमोबाइल। ऑपरेशन ऑटोमोबाइल? ये कैसा नाम है, इतनी खास रिपोर्ट का कोई इतना अजीब नाम क्यों रखेगा? अब ये तो प्रशांत ही बताएगा। आप जरा हमें इस प्रशांत का घर का एड्रेस देना प्लीज।
क्या हो नेहा? नेहा तुम ठीक तो हो ना? तुम इतनी घबराई क्यों? एक मिनट, पानी पी लो। कोई डरावना सपना देखा क्या? हाँ, सपने में कोई मुझे सलोनी कहकर बुला रहा था। सलोनी? कहीं मेरा नाम सलोनी तो नहीं? ये दरवाजा तो खुला हुआ है। अरे निखिल, जरा आसपास देखो, लाइट का स्विच कहाँ है? पूरा घर का सामान बिखरा पड़ा है, कहीं प्रशांत को कुछ तो नहीं हो गया? पेन ड्राइव का चक्कर है, हमसे पहले कोई यहाँ पेन ड्राइव ढूंढने के लिए आया था। पेन ड्राइव ही होगा दया, नेहा सचिन को बता रही थी ना किडनैपर्स के लिए पेन ड्राइव कितना जरूरी है। जरा देखते हैं वो पेन ड्राइव किडनैपर्स के हाथ लगा है या अभी भी घर पे है, चेक करो जरा। पेनड्राइव की वजह से प्रशांत की जान खतरे में। लगता है पेनड्राइव उनके हाथ लग गई है और वो लोग उसे अपने साथ ले गए। मगर उस पेनड्राइव में है क्या? शायद ये प्रशांत होगा। प्रशांत और नेहा एक दूसरे को जानते होंगे, और नेहा को मालूम होगा कि प्रशांत ने ये पेन ड्राइव कहाँ छुपा के रखी है, लेकिन याददाश्त जाने की वजह से शायद भूल गई है। टॉय का? सावर ने बताया कि ये प्रशांत किसी ऑपरेशन ऑटोमोबाइल पे काम कर रहा था। माय गॉड, बहुत दिमाग लगा इस प्रशांत। गाड़ी के अंदर छुपा कर अभिजीत मान्या, ये देखो प्रशांत ने ये पेन ड्राइव इस कार के डिक्की में छुपा के रखा है। कार के डिक्की में? मानना पड़ेगा इस प्रशांत के दिमाग को। चलो अब पता चल जाएगा इस पेन ड्राइव में क्या राज छुपा हुआ है। अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। आप लोगों को पता चली गया होगा कि आप लोगों का नाम हमें इस पेन ड्राइव से मिला है जिसमें आप लोगों के काले धन का कच्चा चिट्ठा है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? हमारे पास तो कोई काला धन नहीं है। अच्छा मिस्टर हेमंत, आपकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री है और आपने 3 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स में घपला किया है। मिस्टर दिनेश, ऑयल का बिजनेस करते हैं आप और पूरे के पूरे ऑयल में डूबे हुए हैं। कायदे से आपका इनकम टैक्स होता है 5 करोड़ रुपए का और जमा कितना किया आपने? सिर्फ 5 लाख रुपए। मिस्टर हिमांशु, 1.5 करोड़ का घपला। मिस्टर विनय, 2 करोड़ का घपला। सूरज, 3 करोड़ का घपला। और ब्रजेश जी, आप तो 4.25 करोड़ रुपए का घपला करके बैठे हुए हैं। और मिस्टर पवन, आपको तो घपले का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए।
9 करोड़ रुपए का घपला किया है आपने, और आप कह रहे हैं आपके पास काला धन नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम सबको, ये पैसा किसी के ताऊ का नहीं है, इस पे सरकार का हक है ताकि देश का विकास हो सके, लेकिन तुम सब लोग अपनी अपनी तिजोरियां भरने पे तुले हो। सर कि हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम ही कुछ ऐसा हो गया है कि किसने बिगाड़ा ये सिस्टम? आप लोगों ने बिगाड़ा है, और मरता है आम आदमी जो ईमानदारी से 2 पैसे कमाता है। अब इतने आदर्शवादी भी मत बनिए ऑफिसर, हमारी बात मानिए, कुछ मिठाई ले लीजिए, मामला यही रफा दफा कर देते। मिठाई? हाँ क्यों नहीं मिठाई, आपकी मिठाई तो हम खा ही लेंगे, लेकिन आप पहले हमारी मिठाई खा लीजिए। क्या है, हमारी मिठाई बड़ी मीठी होती है, जो एक बार चख लेता है वो बार बार खाता है। अब ये सीआईडी वाले जो मिठाई बनाने कब से शुरू कर दी? पहले चख तो लीजिए फिर बताइएगा। निखिल जरा इन्हें मिठाई तो चखा दो। अरे लाइए लाइए, मिठाई कहाँ है? आपको भी खानी है? नहीं सर। तो फिर बताओ प्रशांत कहाँ है, जिंदा है कि मार डाला? सर हमें नहीं पता कि प्रशांत कहाँ। आप में से किसी को तो पता है, आप में से किसी ने गुंडों को बोला है प्रशांत को उठा लो या मार डालो, क्योंकि आप लोगों को प्रशांत की स्पेशल रिपोर्ट के बारे में पता चल गया। अब बोलो, अपना काला धंधा छुपाने के लिए तुम लोगों ने क्या किया है प्रशांत का? बोलो सर, ऐसे नहीं मानेंगे, दया सर को बुला लेते हैं। दया सर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है निखिल, मेरे हाथ एक ऐसा सुराग लगा है जिससे आसानी से हम इस केस की जड़ तक जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या हाथ लग गया काजी? इन सबके फोन रिकॉर्ड्स, इन लोगों ने किस किस को फोन किया था और किन किन लोगों ने इन्हें फोन किया था, उन सबके एक एक नंबर है इसमें। और सर इनमें से एक नंबर है जो कॉमन है, जो हर किसी की लिस्ट में है, ये देखिए सर, ये वाला नंबर। ओहो, तो इस नंबर पे आप सब ने कई बार फोन किया है? हाँ सर, महीने में कम से कम 10-15 बार। ठीक है, तो चल के इस आदमी से ही मिल लेते हैं जिसे आप लोग बार बार फोन करते हैं, उसी से पूछ लेते हैं ये प्रशांत कहां पे है। आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, पता नहीं आपके इस एहसान का बदला मैं कभी चुका भी पाऊंगी या नहीं। नेहा, इसमें एहसान की क्या बात है, इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना। और वैसे भी तो आप मेरी दोस्त हो चुकी है, बचपन की दोस्त नेहा। अच्छा नेहा, ये इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये चेहरा आपको जाना पहचाना लगता है? इस आदमी का नाम है प्रशांत, हो सकता है आपके बचपन का कोई दोस्त हो। प्रशांत, प्रशांत क्या हो गया? आ, सिर में बहुत दर्द हो रही है। Oh my God, नेहा, नेहा, चक्कर आ रहा है। नेहा क्या हो गया तुम? नेहा it's alright. नेहा, Oh my God, नेहा, नेहा, नेहा आके खोलो, नेहा, नेहा। सर जिस मोबाइल नंबर पर वो बिजनेसमैन बार बार फोन करते थे वो नंबर यहीं पर है। अंदर घुस कर देखते हैं। ये तो गोडाउन जैसी जगह है, जरूर यही होगा। काजल तुम इस तरफ जाओ, निखिल उस तरफ, तो संभाल के। फिर तुम हमारे हाथ लगी गए थी कि होशियारी नहीं, जाओ सीधे सीधे चलो। तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे बच पाओगे? अपनी गन नीचे फेंक दो, फेंक दो जल्दी।
जान की सलामती चाहते हो तो अपनी बंदूक के नीचे फेंक दो। तुम अपने घर नीचे फेंको। ठीक है निखिल, काजल गन नीचे रख दो। कैसे लग रहा है? चुपचाप बताओ, बताओ प्रशांत कहां है? बताने तो। प्रशांत यहां है। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो इसका भेजा उड़ा दूंगी मैं। सवरी तुम तो इनकम टैक्स ऑफिस में काम करती हो ना? हाँ, इनकम टैक्स में काम करके देश के गद्दारों की मदद करती हो, टैक्स बचाने वालों को। हाँ मैं मदद करती हूँ प्रशांत, जैसे ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसरों ने देश के अमीर आदमियों की नाक में दम कर दिया है। जब देखो रेड करते रहते हैं, और कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो तुम बताती थी उन बेईमान लोगों कि कब इनकम टैक्स की रेड होने वाली है उन्हें? हाँ बताती थी, मैं पैसों के लिए काम करती हूँ और जो मुझे पैसा देगा मैं उसकी मदद करूंगी। पैसों के लिए अपने देश को बेचना चाहती हूँ? शर्म नहीं आती? ये उपदेश अपने ऑफिसरों को देना एसीपी साहब, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। अच्छा, जब तक सीआईडी जिंदा है देश को बेचने वाले कत्तार बचेंगे नहीं। अब रोना आ रहा? रोने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा इंसाफ तो इस देश की अदालत ही करेगी। ले चलो इन्हें। हट। अब चिंता मत करो सर, नेहा जल्दी ठीक हो जाएगी। आपके दिल में नेहा के लिए जो प्यार है वो साफ साफ झलकता है। एक बार ये केस खत्म हो जाने दो, आप नेहा को अपने दिल की बात जरूर बता देना। रेडी, ये बात अब तुम बता दो ना। मैं रेडी, मेरी तरफ से। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि मैं अपने, नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मेरी वाइफ मुझे उल्टा लटका के मारेगी। रेडी तुम नहीं जानते कि जब मैं नेहा के साथ होता हूं तो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेहा के साथ तो मुझे कांटे भी गुलाब के फूल की तरह लगते हैं। एक सीआईडी ऑफिसर के मुंह से ऐसे शब्द कभी निकलते नहीं है। जब ऐसे फूल झड़ने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कि प्यार हो गया है। फ्रेडी कितनी टांग खींचोगे मेरी? सलोनी आंखें खोलो सलोनी, डॉक्टर साहब ने क्या हुआ है, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? देखिए दरअसल बात ये है कि इनका सलोनी आंखें खोलो सलोनी। सलोनी हाँ, इसका नाम सलोनी है, इसका सपना सच है। और ये प्रशांत सलोनी उसका पति। हे भगवान, ये कैसा खेल खेला तूने? एक तरफ तो सलोनी को उसके पति से मिलवा दिया, ये तुमने अच्छा किया, लेकिन दूसरी तरफ हमारे एक ऑफिसर का दिल तुमने तोड़ दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सलोनी देखो कौन आया है, मैं हूं, मैं तुम्हारा प्रशांत। डॉक्टर साहब लगता है ना होश आ रहा है। यह शी इज रिस्पॉन्डिंग। Yeah.
लेके क्यों चले गए थे? दोबारा कभी मत जाना प्रशांत। नहीं जाऊंगा सलोनी, दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। कैसी हो सलोनी? सलोनी ये क्या कह रही तुम? मैं कौन हूं? कौन है आप? सलोनी डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे कि एक्सक्यूज मी, आप आइए मेरे साथ प्लीज। कई बार ऐसा होता है कि मरीज की याददाश्त वापस आने के बाद उसे बीच के समय का कुछ भी याद नहीं रहता, दिमाग से वो बीच का समय पूरी तरह मिट जाता है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.